फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर की थी आमले के मुरब्बे की रेसिपी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको वो रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। और आज के इस वीडियो में हम आमलों का यूज करके बनाएंगे चटपटे घटाघट। चटपटे होने के अलावा इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा हम आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आप आसानी से घर पर ही घटाघट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं लता और आप सबका हमारे चैनल फूडी रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फूडी रेसिपीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, घटाघट बनाने के लिए हमने यहाँ लिए हैं 600 ग्राम आंवले। सबसे पहले हमें आंवलों को बॉइल करना है। इसके लिए इसे कुकर में डालकर इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे और दो विसल आने तक इन्हें बॉइल करना है और दो विसल आने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब 5 से 10 मिनट के बाद कुकर की जब भाप निकल जाए तब इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, आंवले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर का पानी हमें निकाल देना है और पानी निकालने के बाद इन आंवलों को कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ही रख देना है ताकि इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो काफी हद तक कम हो जाए। अब ये देखिए, 1 घंटे के बाद हमें इस तरह से इसके अंदर के जो सीड्स हैं वो निकाल देने हैं। और जैसे हमने आपको ये बताया था कि ये जो प्रोसेस है वो आपको आंवले बिल्कुल ठंडे हो जाए उसके बाद ही करनी है, या चाहे तो इन्हें ठंडा करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से भी जो इनके अंदर की नमी है यानी कि जो मॉइस्चर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, घटाघट बनाने के लिए मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जितना इनके अंदर मॉइस्चर कम होगा उसकी वजह से ये परफेक्ट बनेंगे और इसे बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। अब ये देखिए, सारे आंवलों में से हमने सीड्स निकाल दिए हैं। अब इन आंवलों को हमें ग्राइंड करना है। इन्हें मिक्सी जार में डालकर इनकी स्मूथ पेस्ट तैयार करनी है। तो ये देखिए, फिलहाल हम थोड़े आंवले डालकर इनकी फाइन पेस्ट तैयार करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी स्मूथ पेस्ट तैयार करनी है। अब जो बाकी के आंवले हैं उन्हें भी ग्राइंडिंग जार में डालकर इस तरह से इसकी स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, आंवलों की पेस्ट तैयार है। आइए अब घटाघट बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई में आंवलों की पेस्ट डालकर इन्हें हम पकाएंगे। अब इन्हें पकाने के लिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है वो आपको धीमी रखनी है और इसे कुछ कुछ सेकंड्स के गैप में मिलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर का जो सारा मॉइस्चर है वो दूर ना हो जाए। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये चटपटे घटाघट खाने का मजा लेना है तो आपको बहुत सारे पेशेंस रखने पड़ेंगे और उसके साथ थोड़ी बहुत हाथ की एक्सरसाइज भी करनी होगी, क्योंकि ये तब तक सही नहीं बनेंगे जब तक कि इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से दूर ना हो जाए। इसे बनाते टाइम काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जब ये बन जाते हैं तब ये या तो चिपचिपे बनते हैं या फिर ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए इसे पकाते टाइम आपको इसे लगातार कम आंच पर कुछ सेकंड्स के अंतर में इसे मिलाते रहना है और जब तक ये इनके अंदर का मॉइस्चर दूर ना हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है। अगर इनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो ये बनने के बाद लूज या फिर थोड़े से सॉगी रहेंगे, इसलिए इसे बनाते टाइम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। इन्हें तब तक पकाते रहें जब तक कि आंवले के अंदर का जो मॉइस्चर है वो कम्प्लीटली दूर ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एटमोसफेयर भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से भी जो ये घटाघट के बॉल्स हैं उसमें नमी आ सकती है, इसलिए एटमॉस्फेयर की वजह से भी इसके टेक्सचर में चेंजेस आते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके जो घटाघट के बॉल्स हैं वो सोगी हो जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अब ये देखिए, इसे लो फ्लेम पर पकाते हुए हमें अप्रॉक्स 20 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 600 ग्राम गुड़। यहाँ हमने देसी गुड़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो जो रेगुलर वाला गुड़ होता है उससे भी ले सकते हैं। अब गुड़ डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर गुड़ गलने तक अच्छे से लगातार मिलाते हुए पकाना है और जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे पका लेना है। अब ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हींग,
जैसे कि आप जानते हैं कि हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेकारक होती है। अब हींग डालने के बाद इसमें डालेंगे आधी चम्मच काला नमक, स्वादानुसार नमक, आधी चम्मच सौंठ का पाउडर। सर्दी खांसी या फिर डाइजेशन के लिए ये सौंठ का पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच अमचूर पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। इसे बनाने के लिए जो भी मसाले डलते हैं उससे जो गट्टाकट है वो बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है, और साथ ही इन सारे मसालों के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अब ये सारे मसाले डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक मिला लेंगे। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच अजवाइन पाउडर। अजवाइन को हमने भुनकर इस तरह से इसका पाउडर तैयार किया है। ओवरऑल हमने इसमें जितने भी मसाले ऐड किए हैं वो सारे मसाले हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, और इन्हीं मसालों और आंवलों के कॉम्बिनेशन से जो ये गट्टाकट हैं वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर मिलाते रहना है, और साथ ही इस स्टेज पर आप मसाले ज़रूर टेस्ट कर लें, और इन्हें ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हो तो आप इसमें बाकी के मसाले ऐड कर सकते हैं। अब आमलों का जो टेस्ट है वो कसैला होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और आमचूर ऐड करेंगे। यहाँ हम 1 चम्मच आमचूर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मसाले डालने के बाद इसे पकाते हुए हमें लगभग आधा घंटा हो गया है। इनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे, और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं उसके बाद इसे रोल करके छोटी छोटी गोलियाँ तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला है तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से भी जो इनके अंदर का मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए आपका गट्टाकट का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गीला या फिर चिपचिपा लगे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, और उसके बाद इसमें जो छोटे छोटे बॉल्स बनाकर गट्टाकट का शेप दें। और एक बार जब इनकी अच्छे से कंसिस्टेंसी थिक हो जाए के बाद आप इसे ड्राई शुगर पाउडर से कोट करें। अब ये देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। आइए अब गट्टाकट का शेप देते हैं। सबसे पहले हाथ पर थोड़ा सा इस तरह से ड्राई शुगर का पाउडर रखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसे रोल करके इस तरह से छोटी छोटी गोलियां तैयार करेंगे, और उसके बाद फिर से इसे ड्राई शुगर पाउडर से कोट करेंगे। अब इसे रोल करने का हम आपको एक दूसरा भी तरीका दिखा देते हैं। इसके लिए हाथ को थोड़ा सा घी से ग्रीस करें और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स तैयार करें, और उसके बाद इसे शुगर पाउडर से कोट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा अब तक का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और रेसिपी को लेकर अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे पहले हमने हमारे चैनल पर आंवले का मुरब्बा की रेसिपी भी पोस्ट की है। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मज़ेदार और चटपटे गट्टाकट बनकर तैयार है। गट्टाकट की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।